करता है, अब बोलो। level, सबसे बड़ा रियलिटी हिट नहीं हो पाएगा और बहुत सारे चैलेंजेस भी थे क्वारंटीन रहना पड़ता था लोगों को लोगों को शीशो के थ्रू बात करनी पड़ती थी जो भी गेस्ट आता था, था अंदर तो इस सीजन में वो शाइन नहीं आ रही थी जैसे ठान लिया हो सीजन को हिट बना के छोड़ना है तो करीबन तीस लोग अंदर रहे जिसमें से तीन सीनियर्स और ग्यारह कंटेस्टेंट्स डे वन से रहे उसके साथ साथ पांच वाइल्ड कार्ड्स आए एक प्रॉक्सी गेस्ट छह चैलेंजेस और सात कनेक्शंस, जिसमें चार

Uh, कि उनको इफेक्ट किया है आई इंजरी की वजह से बिकॉज वो एक टास्क में होता है जब हाउसमेट्स को बोला जाता है कि वो एक दूसरे को टॉर्चर करें क्या ये चीज इसलिए करी जाती है कि बहुत सारे टीयर भी मिले कंटेंट मिले पर इस चीज को कुछ क्रिटिक कंडेम करते हैं वेरी राइटली और उसके बाद बिग बॉस मेकर्स को ये सबक मिलता है कि ऐसे टास्क फिर नहीं इजाज नाना नाना करते प्यार कर बैठते हैं मेनका की बातों में आकर विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाती है जबकि शुरुआती हफ्तों में बहुत फाइट करते हैं कभी फाइट तो कभी प्यार कभी पास आना तो कभी टकरार बट कहीं ना कहीं पवित्रा को सक्सेस मिलती है इजाज का जो पत्थर वाला दिल होता है वो ब्रेक करके मोम कर देती है और जब पवित्रा उसके बाद घर छोड़ के जाती है तो इजास कहीं ना कहीं कही उनकी याद में मजनू बने हुए दिखते हैं हिना गोहर और सिद्धार्थ तीन seniors, तीन फाइट होती है एक टास्क इन साइड इन साइड इन साइड जस्ट ऑन द लास्ट डे वेन देर अबाउट लीव और लड़ाई तो बहुत होती है पर कहीं ना कहीं वो टीम अप कर लेती है और उसके बाद सिद्धार्थ को की बात माननी पड़ती है of course, और चैलेंजर बनके आई हुई राखी इस सीजन में ऐसा कुछ कर जाती है जो और कोई नहीं कर पाता इस शो को इतना कंटेंट इतनी टीआरपी इतना ड्रामा देती है कि कोई और नहीं कर पाता और हद तो तब हो जाती है जब राखी अपने पूरी बॉडी पे अभिनव के नाम के टैटू करवा लेते हैं कैन यू सी क्या फील हो रहा है कुछ नहीं और यही नहीं कभी राहुल की धोती तो कभी अभिनव का नाड़ा खींच देती हैं oh! लास्ट सीजन में सलमान खान आए और किचन साफ करी, करी। सलमान खान आते हैं ठीक है सर, सर सॉरी जब राखी सावंत का बेड बनाने से मना कर दिया जाता है तो सलमान आते हैं अंदर ये बताते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता और खुद राखी सावन का बेड बना के जाते हैं

अपने बच्चों के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप फॉर्म करिए कि बच्चे खुलकर बोल सके आपसे विकास फूड फूड के रोते हैं और बताते हैं कि प्रियंक उनके बॉयफ्रेंड थे ही ही एंड एंड आई वर टुगेदर फॉर अ ईयर हाफ बिफोर केम इनटू शो उनकी फैमिली के साथ उनके क्या इश्यूज चल रहे थे वो सब कुछ बताते हैं पर कहीं ना कहीं मैंने जैसे अपने कई वीडियोस में बोला जहां बाहर की बातें नहीं होनी चाहिए वहां कहीं ना कहीं विकास इस प्लेटफॉर्म को अपनी इमेज क्लियर करने के लिए यूज करते हैं कविता और रोनित आते हैं वीकेंड के वार पे और बहस करते हैं बिनव से जब इल्जाम लगाया जाता है ट्विटर पे सोशल मीडिया पे रोनित के द्वारा कि अभिनव ड्रंकन हालत में कविता को मैसेज करते थे ने कई दफा मुझे वायलेंट मैसेजेस भेजे थे अभिनव ने यूज करा उनके घर को जब उनको शॉर्ट मूवी बनानी थी और ऐसे कई इल्जाम उनपे लगाते हैं जिनपे अभिनव की बहस होती है और अभिनव लव टू सी द मैसेजेस जो मैंने आपको भेजे हैं उसमें अगर कोई भी वायलेंस का शेड मुझे आप दिखा उनको उनको बोलते हैं कि वो उनको लीगली देखेंगे जिसमें सलमान अभिनव को बोलते हैं कि ये चीज को यही खत्म करो हो गया गंदा है ये इस चीज का लीगल जाने का कोई फायदा नहीं है जब कविता अंदर आती है तो इजाज बहुत खुश होते हैं उनको लगता है कि मेरी कोई दोस्त आ गई पर बाद में कविता ऐसा बोलती है कि इजाज ने ये बोल के उनका फायदा उठाया इनफैक्ट कोविड के टाइम में जब इजाज को जरूरत थी जब उनके पास खाना नहीं था तो उनको खाना बना बना कर उन्होंने परोसा ये बात सोशल मीडिया पे लोगों को अच्छी नहीं लगी अंडे खा चिकन खा मगर ये खाने के लिए ना हम लोग नहीं बोलते ऑडियंस ने बोला की कविता को इतने नचले दर्जे की बात नहीं करनी चाहिए किसी को खाना खिला के उसको गाना नहीं चाहिए आपको क्या लगता है देवलीना अपना आपा खो देती है जब उनको लगता है कि उनकी क्लोजेस्ट पेट एंजल को हानि पहुंच सकती है अर्शी के कर्ज की वजह से अगर मेरे एंजल को कुछ हुआ ना माय एंजल इज नॉट वेल दी। जो कि कहीं न कहीं उनकी गलतफहमी होती है जो सलमान खान भी किन के बारे में दूर करते हैं पर देवोलीना कुछ ऐसा कर जाती हैं जो लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं ah, we'll राखी सावंत की एक टास्क में मुंडी टूट जाती है राखी सावंत की नहीं उस प्रॉप की वो जो यूज कर रही होती है जब सलमान खान उस मुंडी के बारे में पूछते हैं और जिस तरह राखी रो रो के बताती सर सबसे ज्यादा मुझे फील हुआ कि उसने मेरी मुंडी तोड़ दी सर उनको सही में लगा जैसे उनकी मुंडी टूट गई हो और ये बहुत फनी होता है अब राखी इस वक्त एक्टिंग कर रही होती है रियल में रो रही होती है वो समझ नहीं आता और ये सेगमेंट बहुत एंटरटेनिंग लगता है इनफैक्ट सलमान खान भी हंसते है हैं और साथ साथ और sure, जब आप ये देख रहे होंगे तो आपको भी हंसी जरूर आई होगी अब इनफ के इवेक्शन जिनको बाहर निकालने के लिए अंदर जो लोग कनेक्शंस बनके जाते हैं उनको ही रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है कि भाई वो ये तो मिलियंस ऑफ पीपल हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव वो सात लोग बने और उसके कारण होता क्या है अब इनफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है so जिसमें जैस्मिन जान और वेंदु सिंह एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं निक्की बहुत ही ज्यादा गेंद बिलो द बेल्ट काम करती है जब वो के साथ एक में पहली बार राहुल वैद्य फूट फूट कर रोते हैं बिकॉज वो हेल्पलेस फील करते हैं और उसके बाद सलमान खान निक्की तंबोली को बहुत भरपूर डांट लगाते हैं पहली बार शो में और पूछते हैं कि अगर राहुल वैद्य हाथ डाल देते तब निक्की क्या करती राहुल जब उनकी माँ उनसे मिलने आती है घर में तो उनके लिए ऐसा गाना गाते हैं मैं रोता हूँ तुम रोती हो मेरे हंसने पे तुम हंसती हो जिसपे एम श्योर हर बेटे की आंख में आंसू जरूर आए होंगे मैं गलती रोज जो करता हूँ उसे माफ तुम माँ करती हो सीजन के कुछ आखिरी हफ्तों से पहले ऐसा कुछ पता चलता है कि इजाज की कुछ आउटसाइड कमिटमेंट्स हैं और इजाज को शो एक्सटेंड हो जाता है पर इजाज कंटिन्यू नहीं कर पाते तो इजाज को शो छोड़ के जाना पड़ता है लेकिन आज उन्हें ये शो यहीं पर छोड़कर जाना जिसका रीजन हमारा एनालिसिस कुछ और ही कहता है पर बिग बॉस के हिसाब से उनकी आउटसाइड कमिटमेंट होती है इसलिए वो इजाज की जगह प्रॉक्सी देवलीना को अंदर भेजते हैं जो मुंडी राखी की टूट गई होती है जो उनको पार स्वरूप मिलती है बिग बॉस से उसी मुंडी के साथ जब खेल रही होती हैं निक्की और Jasmine तो Jasmine को पता नहीं क्या होता है वो आती हैं और जोर से उस मुंडी को पहनाती हैं राखी को ओ माय गॉड मेरा नाइस जिससे राखी की नाक इंजर होती है अब वो कितनी तेज लगती हैं उनको ये नहीं पता होता नॉट लुकिंग कूल कहने जैस्मिन जैस्मिन सॉरी नहीं बोलती और उसके बाद सलमान खान को जैस्मिन को डांट लगानी पड़ती है जिसके बाद जैस्मिन उनसे हाफ हार्टेडली सॉरी बोलती हैं। राहुल शो को क्विट करते हैं पर जब वापस आते हैं तो एक डायलॉग मारते हैं रूबीना को देखकर कि एक था राजा एक थी रानी राजा वापस आया खत्म करेगा कहानी

वो पहले भी कर चुके होते हैं उन्होंने सीजन 11 में आकाश डडलानी को भी धक्का मारा था और इस बार अर्शी खान को धक्का मारते हैं जो कि एक लड़की हैं उन पे अपने दमखम का प्रदर्शन ही नहीं करते उनको पानी में भिगा के उनकी फोबिया का भी इस्तेमाल करते हैं और उनको बाहर निकाल दिया जाता है पर वापस कुछ टाइम के बाद बुला लिया जाता है और सलमान खान अर्शी पर ही टूट पड़ते हैं ये बताते हैं कि अर्शी इस मामले में कितना गलत थी एक टास्क में जब राहुल वैदिक बैक खींचते हैं जैसमिन उनको बोलते हैं उनका साथ दें क्योंकि उनको लग सकती है इस बात पे जब राहुल बहुत तेज बैक खींचते हैं तो जैसमिन बहुत ज्यादा रोती हैं और पूछती हैं कि क्यों मर्द ऐसे करते हैं क्यों औरतों का फायदा उठाते हैं ये बात किसी को समझ नहीं आती पर बाद में पता चलता है कि जैस्मिन का एक पास था जिसकी वजह से वो अपना आपा खो जाती है और वो राहुल को गलत जज करती है इनफैक्ट ऐसे गलत जज करती है कि उन पे पानी फेंक देती है पर उसके बाद सलमान खान वीकेंड के वार पे ये क्लियर करते हैं कि राहुल यहां ठीक थे और जैस्मिन यहां गलत थी उसके बाद अली आते हैं और वो भी जैस्मिन को यही बताते हैं कि वो कितना गलत गई थी इस मामले में राखी तो बिग बॉस में आती है चैलेंजर बनके पर राखी में कोई और ही आ जाता है राखी में आती है जूली जैसा मैंने अपने वीडियो में पहले भी बहुत बार बोला हर बार एक हॉरर एपिसोड जरूर होता है और इस बार हॉन्टेड कहानी कोई और नहीं बिग बॉस नहीं राखी खुद लेकर आती है खुद क्रिएट करती है और जूली इतनी फेमस हो जाती है अंदर और बाहर कि बिग बॉस एक टास्क की जूली पे बना देते हैं राहुल वैद्य ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसको करने की किसी को हिम्मत नहीं होती एटलीस्ट अगर वो टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में हो पर राहुल वैद्य ये करते हैं और दिलों में जगह बनाते हैं क्रिटिक्स की भी और ऑडियंस की भी वो कॉल आउट करते हैं जान कुमार को नेपोटिज्म के लिए मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ वो है जान बिकॉज मुझे नेपोटिज्म से सख्त नफरत है उसके बाद सलमान खान राहुल वैद्य को कड़ी डांट लगाते हैं और बताते हैं कि नेपोटिज्म तो और जगह होता है जिसको हमारे जैसे क्रिटिक्स बहुत कंडेम करते हैं पर बहुत और लोग डिफेंड करते हैं इस सीजन में दो इंसान अपनी इमेज क्लियर करने के लिए बार बार आते हैं उनमें से एक कविता कौशिक भी होती है पर रुबीना के साथ जब भिड़ती हैं, तो रुबीना जो कविता इंस्पेक्टर चौटाला बनके सबको डरा और सहमा रही थी वही रुबीना के दहाड़ने से मौका मिलते दरवाजे से बाहर लेती है पर रुबीना यहाँ रुकती नहीं वो दहाड़ती रहती है

ये बताती है कि एक सीमा होती है और सीमा को जब क्रॉस कर लेते हो तो कोई भी नारी कोई भी वाइफ अपने पति का अपमान नहीं सह सकती मेरे पति की इज्जत नहीं करेगी आई विल बी द फर्स्ट वन टू फेस यू और वो ये दिखाती है राखी के क्रिंज का सफाया करके कैसे एक भरी हुई बाल्टी जिसमें गंदे कपड़े राखी के ही होते हैं उसको राखी पे उडेल के राहुल शो को उस टाइम पे छोड़ के जाते जब उनको नहीं पता तो बाहर उनका कितना बड़ा फैंडम बन चुका होता है बिग बॉस होम फेक चैलेंजेस घर में आने वाले होते हैं तभी राहुल कहते हैं कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं और वो अपना पूरा इस शो को छोड़ के चले जाते हैं दिशा परमार राहुल वैद्य को बहुत ज्यादा तड़पाने के बाद मेकर्स दिशा को अंदर भेज देते हैं दिशा आती हैं और बोल देती हैं। यस तो <प्रिणा> रुबीना कुछ ऐसा कर जाती है जिसका किसी को इल ही नहीं होता वो बताती है कैसे अभिनव के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है वो इस सिचुएशन में पहुंच चुकी थी कि दोनों डिवोर्स के बारे में सोच रहे थे हमने एक दूसरे को नवम्बर तक का टाइम दिया था We were about to get वो बताती हैं की कैसे दोनों ने ये प्लान किया था कि बिग बॉस के घर में जाएंगे और देखेंगे कि शायद उनकी रिलेशनशिप को एक नया मोड इस शो से मिले और वैसे ही होता है इस शो में हम देखते हैं कि जो रूबीना और अभिनव है उनका जो हैशटैग है रूबिन वो बहुत पॉपुलर होता है बाहर और जब अभिनव वापिस आते हैं वैलेंटाइन मनाने है रुबीना के साथ तो वो जो मूवमेंट होता है वो सबको कपल गोल्स देता है नाउ द टॉप मूवमेंट गाइज इट के नॉट बी एनी अदर बट जस्टली मूवमेंट बिकॉज अली जब जैसमिन इफेक्ट हो रही होती है तो इतना रोते हैं कि उनको सास भी नहीं आती है उनको अपना पफ मंगवाना पड़ जाता है वो बात भी नहीं कर पाते इतना रोते हैं वो जो मूवमेंट होती है सबको रुला जाती है मूवमेंट ये बताती है कि अगर प्यार करे तो कोई अली जैसा ये था मेरा रिव्यू ऑफ बिग बॉस सीजन 14 वट वर माई टॉप थर्टी मूवमेंट्स आपको क्या लगता है आपकी कौन सी टॉप मूवमेंट रही इट्स नॉट अबाउट द ऑर्डर इट्स अबाउट जिन मूमेंट्स ने हमको बहुत एंटरटेन किया जिन मूवमेंट्स को हमने एंजॉय किया जो मूमेंट्स हमें हमेशा याद रहेंगी उनको आई वॉन्ट टू जस्ट समराइज इन वन वीडियो दट्स माई गिफ्ट टू ऑल द बिग बॉस फैंस और द रियलिटी शो फैंस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को अगले हफ्ते एक बहुत, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मंडे को बिकॉज आई एम क्विटिंग डिटेल्स के लिए ये वीडियो जरूर देखना जो आएगा मंडे को इसी चैनल पे होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो घंटा जरूर दबाइएगा घंटा दबाएंगे तो आपको पता चलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी गाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा कॉन्टेंट आप चाहते हैं मेरे से इस चैनल पे मैं ऐसे ही डी कोर्स ऐसे रिएक्शन ऐसे रोजोज लाता है